आपको पसंद आई, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, थैंक यू. मुझे एकदम कुछ अलग करना था एंड ऑब्वियसली फाइनेंस मैं खुद कर रही हूँ बिकॉज मैंने खुद का लेबल शुरू किया है फ्यूचर रिकॉर्ड्स इंडिया. ये ऐसा गाना कि पार्टी का गाना है तो नहीं, तो इस पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो प्रॉब्लम आएगी कि लोग सोचेंगे ये थोड़ी बिकेगा, ऐसे गाने थोड़ी बिकते हैं. भाई ये गाना मेरे लिए बहुत बहुत पर्सनल है और इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक तो ये फुल ऑन गर्ल पावर का गाना है, दूसरा जो रियल हिप हॉप है मुझे वो भी दिखाना था. सो मैंने अपनी तरफ से मतलब बेस्ट कोशिश की है कि मैं इंडिपेंडेंटली ये गाने को कैसे जस्टिस कर सकूँ. गाना मैंने 4 साल पहले लिख के रेडी किया हुआ था, फिर मैंने हार्ड ड्राइव में रख के बंद करके रख भी दिया. पिछले साल जनवरी में मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने सुना था एक्चुअली तेरे को ये गाना निकालना चाहिए, लाइक इंडिया रेडी है ऐसे करने के लिए. हाँ आई थिंक सो. डिजिटल जो हमारा इन्फ्लुएंस है, डिजिटल में कितना कुछ चेंज हुआ है, तो अब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम खुद गाने निकाल सकते हैं. जो यूके में मैं हमेशा इंडिपेंडेंटली काम कर लेती थी और सब लोग कर लेते क्योंकि वाइट लेबल इज़ अलाउड. यहाँ मैं तो छोटी सी फिश हूँ, छोटी मछली मैं नीमू और वो इतने बड़े बड़े फिश ना, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए आपको करने की. और 9 साल से मैं वेट कर रही हूँ कि मैं ऐसा गाना करूँ, क्योंकि पहली बात थी कि एजुकेट करना अपने देश को अबाउट हिप हॉप रैप. आज रिक्शे वालों को भी पता है कि रैप क्या होता है, सब गाते हैं ना. सो इट्स नाउ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल कि एक्चुअली रैप क्या होता है. और अब सबके पास फ़ोन है, हमारे पास सबके पास इंटरनेट है, तो अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं बची कि आपको कुछ पता ना हो. आपको कुछ पता करना है, आप सीधा लिखो तो आंसर मिल जाएगा. जैसे कि 4 साल पहले लिखा था एंड अभी रिलीज़ करें, इतना वक्त क्यों लगा इसको रिलीज़ करने में? उसी के लिए कि लोग रेडी है कि नहीं, ये पार्टी का गाना है, मैं निकालूँ कि नहीं, मुझे तो निकालना है. अरे रियल हिप हॉप तो करना है, तूने म्यूज़िक क्यों शुरू किया था? म्यूज़िक तो रियल हिप हॉप करने के लिए किया था. अब देखो मैंने अपना नाम कमा लिया और मैं हिस्ट्री में जाएगा कि ठीक है फर्स्ट इंडियन फीमेल रैपर दुनिया की, ठीक है वो कर लिया, अपनी मम्मी का नाम यू नो रोशन कर दिया, इंडिया का नाम रोशन कर दिया. अब मैं खुश हूँ कि नहीं? नहीं, क्योंकि मैं वो म्यूज़िक नहीं बना रही जो मुझे बनाना है. और बॉलीवुड में प्लेबैक में क्या हुआ कि जब 4 बज गए आए, तो 4 बज गए वॉज नॉट लाइक नॉर्मल सॉन्ग्स. मैंने प्रूव किया कि डिफरेंट फॉर्मेट में भी आप गाना बना सकते हो. फिर गगा 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 गणपति. अब मैं जो लड़की मतलब फुल दारू के गाने बना रही है, आप उसको बोल रहे हो कि गणपति का गाना बनाना है, मैं उसको बड़ा रिस्पेक्ट से करूँगी, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं करूँगी जैसे गाने मैंने सुने. मेरा क्या कनेक्शन है भगवान के साथ? वो बहुत पावरफुल चीज़ है, तो उसको बनाओ इतना पावरफुल कि हर बंदा वही कनेक्शन फील करे. तो जो भी करना है लाइफ में अच्छी तरह करो, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं कुछ करने का. और क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मैं खुद म्यूज़िक डायरेक्टर बन गई. तो अब 4 मूवीज़ में गाने आ गए और भी आ रहे, तो उसमें भी मैं लगी हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ. तो मैं अपनी तरफ से मतलब सब कुछ चालू है एंड मैं अब मैनेज भी कर रही हूँ आर्टिस्ट को. सो एक बच्चा मैंने देखा था, मेरे भाई ने मेरे को एक वीडियो दिखाई, वो 11 साल का था और वो टीवी पे अपने एक इंडियन शोज पे गा रहा था एंड वो सूफी गा रहा था और वो 11 साल का, और मेरा रोना निकल गया. मतलब इतना सुंदर उसने गाया, और मैं कितने सिंगर्स को जानती हूँ, मतलब इसमें कुछ चीज़ होगी. तो मैंने बहुत ढूंढा उस लड़के को, बहुत लोगों को पूछा, काफ़ी आर्टिस्ट भी उनको जानते थे, किसी ने मेरे को उस लड़के का नंबर नहीं दिया. फिर किसी ने न्यूज़ फैला दी कि वो लड़का मर गया. 4 साल बाद मुझे किसी ने उस लड़के का नंबर दिया, उसका नाम है सतिंदर, वो मुझे जम्मू में मिला एंड व्हाट अ अमेजिंग सिंगर. एंड आप यूट्यूब पे मतलब उसकी क्लिप देख सकते हो. एंड मैंने बोला कि तूने म्यूज़िक क्यों छोड़ दिया? तो कहता मेरी कोई मदद नहीं कर रहा और हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, तो हम नहीं सोचते कि हम कुछ कर पाएंगे. मैंने कहा तू पागल है, अगर जैसे गाते हो तुम, अगर मैं गा पाऊँ ना खत्म एंड, तो तू रोक नहीं सकता, म्यूज़िक तुझे करना पड़ेगा. डिफ़िकल्टी सबको आती है, मैं कोई इतनी बड़ी यू नो बिग कंपनी नहीं हूँ, पर मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकती मैं करूँगी. तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करानी शुरू कर दी. मैं एक बार बुल्ले शाह का जी के लिरिक्स लेके गई और कंपोजिशन रेडी के तू गा, उसने रिकॉर्डिंग की. और अब वो 17-18 का अभी हुआ है एंड अभी भी वो इतना मतलब पैशन और फड़े, और वो उस घराने के जहाँ रोज़ रात को बैठ के रियाज होता है, मतलब रोटी नहीं मिलेगी अगर, तो वो लड़का इतना पैशनेट इतना कुछ, लेकिन उसकी हेल्प नहीं कुछ करेगा. और मेरी माँ कह रही है कि मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं ऐसे हेल्प करना चाहती हूँ ऐसे आर्टिस्ट की, शी इज़ लाइक करो, क्योंकि वो बेचारा मतलब तू तेरी किसी ने हेल्प नहीं की, बट तू इतना एक्सपीरियंस कब काम आएगा? तो जो तुमको उसकी मदद कर सकती हो करो, वो बेचारा वहाँ ऐसे थोड़ी किसी को छोड़ देंगे, इतना टैलेंट है. तो मुझे करना ही पड़ा. अब मैं उसको मैनेज कर रही हूँ क्योंकि उसके पापा ने मुझे सौंप दिया लड़का की, आप ही करो अब. सो उसको भी मैं इस लेबल पे निकालूँगी. आपको ये लगता है कि इन सारी चीज़ों के बीच जो टैलेंट काफ़ी दब जाता है?
बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जेलसी भी बहुत होती है लोगों को कि एक दूसरे को रोकना. मैं फील करती हूँ कि इतना स्पेस है अगर हम आधा कर दें. देखो, एक जो फालतू लोग हैं जो इंडस्ट्री में, जिनको एक्चुअली कुछ नहीं आता और वो बस स्टारडम के लिए करते, अगर वो निकल जाए तो एक्चुअली जो रियल हैं टैलेंट वाले, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं. कभी कभी ये होता है कि लड़का लड़की, मतलब जो जो भी आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड होगा लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत ख़राब है, तो उनको भी प्रॉब्लम है. उन ऐसे बंदे का कोई काम नहीं करना चाहता. सो यू नीड द राइट पर्सन. टैलेंट भी होना चाहिए और आपका मेंटेलिटी भी सही होना चाहिए. आप में वो भूख होनी चाहिए कि हमको कुछ बनना है. और विदाउट, अगर आप खुद की हेल्प नहीं करोगे ना, आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा. एंड अगर चलिए सॉन्ग पर वापस आते हैं, तो मतलब काफ़ी अलग लुक में भी, काफ़ी अलग अवतार में नजर आई हैं आप, इसके बारे में थोड़ा बताइए. मैंने बस वो बहुत सिंपल, मेरी तरफ से काफ़ी सिंपल काम किया कि यूजली क्लब में पार्टी ये वो, मेरे को वो नहीं चाहिए. झंझट मेरे को बिल्कुल प्लेन चाहिए. मैं चाहती थी लोग मेरी लिरिक्स समझें, मेरी लिप सिंक से उनको पता लगे. और मेन थिंग ये है कि गाना समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आपको लगता है कि ये नया पार्टी एंथम बनने वाला है, हर लड़की का ये फेवरेट होने वाला? आजकल पता नहीं, कुछ भी पार्टी एंथम बन सकता है. तो हाँ, आई थिंक लड़कियाँ डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी. पर मैं यही करूँगी कि सब लड़कियाँ ये गाना सुनो और शेरनी बनो और ये एक्सेप्ट करना बंद करो. ये वो दिन नहीं है कि हमको आजकल भी ये वाली स्टोरी सुनने को मिलती कि किसी का रेप हो रहा है और ऐसे हुआ ऐसे, मतलब किसी लड़की को किसी ने कुछ बोल दिया क्योंकि उसने छोटी स्कर्ट पहनी थी. हम इन दिनों, मतलब 2016 एंड वी आर स्टिल फेसिंग दिस. दिस इज़ नॉट राइट. सो मुझे नहीं अच्छा लगता. और मैं बस ये कहती हूँ बस इनफ. इसलिए मैंने ये गाना निकाला है. मुझे ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं. आप लिरिक्स पढ़ोगे, लिरिक्स देखोगे, आप गाना सुनोगे, आपको खुद हिम्मत आएगी. कुछ करो, सब शेरनी बनो और एक्सेप्ट करना बंद करो. तुम उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना लड़का है. तुम उतने ही, और लड़कों को भी बोल रही हूँ और सब इंडियंस को बोल रही हूँ, तुम उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना और कोई है दुनिया में. ठीक है, तो मैंने अपने आप को कभी किसी चीज़ से रुकने नहीं दिया. मेरा हार्डकोर का जो नाम है वो इसीलिए मैं डिज़र्व करती हूँ नाम, क्योंकि मैं लड़ लड़ के रोज़ अपने ज़िंदगी में लड़ती हूँ, रोज़ इस चीज़ को बंद ख़त्म करने के लिए जितना भी मैं ट्राई कर सकती हूँ. आप लोगों को भी करना पड़ेगा. जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतनी प्रॉब्लम होगी. इतना ही चलता रहेगा. आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा और ये सब कुछ बकवास रोकना पड़ेगा. एंड आपको लगता है जब जब भी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो दो चार लोग आते हैं उसको रोकने के लिए, एंड इसके बीच में भी कोई कुछ ऐसे लोग आएंगे जो हर, आप कहीं भी काम करो, जो बेचारा मतलब यू नो कोई झाड़ू भी मारता है बेचारा, या कोई वॉचमैन भी है, चाहे तुम बैंक में काम करते हो या तुम स्टार हो या तुम कोई भी हो, हर काम में डिफ़िकल्टी होती है. डिफ़िकल्टी बस इसमें नहीं है. हाँ, बस ये है कि जो मेरा कैटेगरी है उसमें अभी तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि लड़कियां नहीं करती, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए. लेकिन सच में अगर मेरा कोई बड़ा बाप नहीं है विद बिग फैमिली एंड लॉट्स ऑफ मनी, मेरे साथ कोई नहीं था, बस मेरी बेचारी माँ है जो मेरी मेरी हेल्प की है, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ ना, तो आप लोग भी पहुँच सकते हो. ये अपनी मेंटेलिटी, सोच अपनी चेंज करो. एंड जैसे कि चार्ट में जो आपने वर्ड्स लिखे थे, एंड अभी में मतलब कितने आपको उसमें चेंजेस करने पड़े, क्या उसमें कुछ आपने कुछ बदला किया? मतलब मैंने कुछ नहीं बदला, क्योंकि लेबल जब घर पर है ना, घर का लेबल है तो जो मर्जी करो. और डिजिटल जिंदाबाद, क्योंकि यू नो हर चीज़ में टोक टोक, हर चीज़ में उंगली देना, मतलब आप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं होने देते, कॉमेडियन को कॉमेडियन नहीं रहने देते. यू नो जैसे वो कॉमेडी सर्कस में जो पलक बनते हैं, नहीं गुत्ती नहीं, जो पलक बनते हैं ना, क्या नाम था उसका, सो ऑब्वियसली केसेस लाइक दैट, जैसे उन्होंने बस वो एक्टिंग की थी और सारे इतने गुस्से हो गए थे, या कोई हंसा रहा है, या कोई पेंटर है, कोई पेंट करता है कुछ अपने डीप सोच के, और हाँ, और उसको तुम कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते. हर चीज़ में सिस्टम थोड़ी चाहिए था. क्रिएटिविटी को रोकना नहीं चाहिए, फ्रीडम को रोकना नहीं चाहिए. सेंसर रोड को लेकर भी आज के टाइम में काफ़ी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, तो जो लाइक उड़ता पंजाब हो गया एंड और भी काफ़ी. सेंसर बोर्ड को मैं ये कहूँगी अगर रोकना है तो फिर सब कुछ रोको ना. मूवीज़ बंद करो, गाने बंद कर दो, घर से बाहर जाना बंद कर दो, सब चीज़ पे सेंसर लगा दो. हमको सांस पे भी सेंसर लगा दो ताकि हम सांस भी ना ले पाएँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड जैसे कि और क्या क्या मुश्किलें आई आपको इसको शूट करने में, क्या क्या ड्रिलिंग करनी पड़ी आपको? वही है कि मैं मतलब सेल्फ फाइनेंस करो और खुद आप बहुत सब कुछ सीखना पड़ रहा है. जैसे यू नो
सेल्स के बारे एंड खुद का चैनल चलाने बारे, मतलब चैनल्स वगैरह हम छोड़ देते हैं कंपनीज पे कि मैनेजमेंट चला लेगी या व्हाटएवर. सो आई एम लर्निंग एवरीथिंग बिकॉज आगे भी आर्टिस्ट को हेल्प करना है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं राइट लोगों के साथ राइट रिलेशनशिप बनाऊँ, जो आर्टिस्ट सच में म्यूज़िक से प्यार करते हैं, सच में कुछ करना है. एक लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठे हैं. हाँ ये बिजनेस है, खाली थोड़ी भूखे थोड़ी मरना है. हाँ देर इज़ अ बिजनेस, बट जहाँ जिस अंडरस्टैंडिंग से मैं आई हूँ यूके से, आर्टिस्ट खुद जैसा है वैसे रह सकता है, क्रिएटिविटी कर सकता है और उसके पैसे उसको मिलेंगे. म्यूजिक तो बदलाव ही है, मतलब म्यूजिक चेंजेस है, ओवर चेंजेस वापस भी आता है, यू नो फैशन में अलग अलग चीज़ें तो. लेकिन बस ये है कि मेरा मतलब ये नहीं था पार्टी गाने बनाने का, मेरा मतलब ये था कि मैंने लाइफ में बहुत हार्ड टाइम देखा है तो मुझे खुशी के गाने बनाने हैं, सेलिब्रेशन के गाने बनाने हैं. मैंने कभी वल्गर बातें नहीं की. और अगर तुमको करनी भी है उसका भी एक स्टाइल होता है, एक लेवल होता है, एक वे होता है करने का. तो इट्स नॉट ये नहीं कि आप बोल कह रहे हो अब कैसे बोल रहे हो, ये नहीं आपके पहना क्या है अब कैसे पहना है, हर चीज़ में ये होता है. तो आई जस्ट फील के लोग इस चीज़ पे बस कैश इन कर रहे हैं कि कोई भी रैंडम मेरे को रैपर बनना है. तो मैं पूछती हूँ क्यों? नहीं बस मेरे को रैपर बनना है. क्यों? आधे लोग होते हैं कि बाप की ज़मीन बेच दी वीडियो शूट के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मतलब लड़की चार पांच लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए. उधर माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, या हमको ये करना, हमको एक्ट्रेस बनना है. सबको थोड़ी बनने की ज़रूरत है, सबको ही बनना है क्या? डॉक्टर्स का क्या होगा? हमको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, हमको पायलट्स की भी ज़रूरत है, हमको नर्सेज की भी ज़रूरत है. सो आई डोंट नो, मतलब राइट रीज़न के लिए अगर तुमको सच में म्यूज़िक से प्यार है तो करो, अदरवाइज मत करो. तो आपको लगता है कि ये मतलब ये नारी शक्ति के लिए ट्रिब्यूट है ये सॉन्ग? एक इट्स बेसिकली माई सॉन्ग टू ऑल द हेटर्स. ठीक है, जो भी फालतू लोग हैं ना, और जो लोग मेरे को फालतू में तंग करते हैं और लड़कियों को जनरल इन जनरल फालतू, ये गाना सबके लिए, सबके लिए. ये सॉर्ट ऑफ मिडल फिंगर बोल दो सबके लिए. एंड जैसे कि इसमें सिर्फ आपने रैप करा है, सिर्फ जैसे कि आप रैप ही करते हैं, तो फुल सॉन्ग आप कब देने वाले हैं? हाँ, दिस टाइम इट्स फुल रियल हिप हॉप, बिकॉज मेरा जो टैलेंट है असली वो मुझे दिखाना है. मतलब सोचो, ये शर्म की बात नहीं है कि मेरी माँ मुझे फ़ोन करके बोल रही है कि पार्टी के गाने बहुत हो गए, अब तेरे को असली टैलेंट नहीं दिखाना चाहिए, तेरे को असली रियल हिप हॉप नहीं करना चाहिए, तू शुरू क्यों किया था, ये बेइज्जती की बात है. तो आवाज़ आएगी ये बॉस, अब तो टाइम आ गया, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा, अब दिल को खुश करो, तुमको जो खुशी मिलती है उस भी करो. मतलब आपको भी मैं बोलूँगी, जो कैमरा के पीछे भी बोले, जो आपको खुशी नहीं मिल रही ना उसमें कोई फ़ायदा नहीं इतनी देर करने का, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है. सो आप कुछ अचीव करो अपने लिए, खुश करो अपने आप को कि मैंने कुछ अचीव किया, एंड इवेंचुअली बुढ़े होके मन नहीं है तो लाइफ हैप्पी होके जी लो. ओके, एंड जाते जाते आप दो लाइंस अगर गा के सुना दे तो. ठीक है. शेरनी है, शेरनी है, शेरनी है जट्टी, बोल दिया सो बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटी, आँख मिला लो और तोड़ा लो फ्री में अपनी हड्डी, आई एम अ चैंपियन. थैंक यू मैम. थैंक यू.